नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हमारी बहू फिश बनाने जा रही है, तो मैं उसका वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूँ कि फिश में कौन कौन से मसाले पड़ते हैं और कैसे उसकी तैयारी होती है। तो हाफ केजी फिश है और इसमें इसने एक प्याज काटा है जो बड़े साइज का प्याज है। और इसमें मसाले इसने डाले हैं, मसालों में टमाटर है, धनिया है और लाल मिर्चा है, लहसुन है, अदरक है, काली मिर्च है और सरसों है। बिल्कुल नेचुरल मसाले हैं जो घर के में तैयार होते हैं वही मसाले, बाकी वो सब मसाले बहुत ज्यादा डालती नहीं है। और ये हल्दी है और ये साल्ट है, नमक है जिसमें कि सेंधा नमक, ये सेंधा नमक ये लोग यहाँ पे सब लोग खाते हैं और ये सही भी रहता है। और ये मसाले बिल्कुल नेचुरल है जो कि हर घर में पाए जाते हैं, एकदम घर में तैयार हुए मसाले हैं, बाकी ऊपर का जैसे सब और कोई पाउडर या वैसे कोई मसाले नहीं है। और ये फिश है जो इसमें मंगाया है लीसेस से, ये इसका फिश और बटन सब कुछ बहुत फ्रेश आता है और ये ताजी देते हैं, तो ये मसाले हैं। और अभी वैसे मैं तो खाती नहीं हूँ, मैं तो शाकाहारी हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी तैयारी हो रही है, अभी मेरी बहू बनाएगी। हमारे हस्बैंड को मछली ज्यादा पसंद है, तो इसलिए हमारी बहू की कोशिश रहती है कि उनको मछली बनाकर ज्यादा खिलाए, उनको मछली ज्यादा पसंद है। और वो ज्यादा तीखा भी नहीं खाते हैं, थोड़ा कम ही तीखा खाते हैं, तो घर पे बनाती है तो उसमें मिर्ची वगैरह कम डालती है। देखिए इतने में एक ही मिर्ची ली है जिसमें एक है बस, इससे ज्यादा डालेगी नहीं। उसके बाद अभी इसको तैयार करेगी पूरा फ्राई करके, और फिर जब तैयार हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और हमारे बहू के हाथ का बनाया इनको हमारे हस्बैंड को पसंद भी बहुत आता है, वो मछली बहुत पसंद करते हैं उसके हाथ का बनाया, इसलिए बना के खिलाती है। तो आप लोगों को हम दिखाएंगे कि अभी पूरा कैसे तैयार होता है। और अगर हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ऐसे हम छोटा छोटा आपको दिखाते रहेंगे। तो क्या है कि आप लोग लाइक करेंगे तो इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, तो हम लोगों को और चीजें दिखाएंगे। और थोड़ा मतलब कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा हमारे चैनल को, जैसे कि तो फिर अभी जब तैयार हो जाएगा तो हम दिखाएंगे कैसे फ्राई करके और इसका कैसे वो तैयार करती है, फिर हम दिखाएंगे आपको।